हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन 24 पेयर्स के जो ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन होते हैं उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूं। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं इसलिए देने जा रहा हूं फ्रेंड्स क्योंकि ये 24 होल्स का जो ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन होता है इसे बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा माउथ ऑर्गन माना जाता है, सीखने के लिए बहुत ही अच्छा माउथ ऑर्गन है और जो हिंदी गाने बजाना चाहते हैं खासकर उनके लिए यह माउथ ऑर्गन एकदम परफेक्ट माउथ ऑर्गन है। ठीक है, इसलिए जिनके पास ये 24 होल्स का माउथ ऑर्गन है जो इस माउथ ऑर्गन खरीदना चाहते हैं ट्रेमोलो 24 पेयर्स ऑफ होल का जो माउथ ऑर्गन है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा। तो शुरू करता हूँ फ्रेंड्स। पहली बात, इसे ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन क्यों कहते हैं इसको जानने के लिए आपको इसकी बनावट की जानकारी होनी चाहिए। इसमें देखिए आप फ्रेंड्स, ऊपर नीचे होल्स होते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम लोग पकड़ लें इसे फर्स्ट पेयर ऑफ होल बोलते हैं, ये हो गया सेकेंड पेयर ऑफ होल, ये हो गया थर्ड पेयर ऑफ होल। इस तरह से 24 पेयर्स ऑफ होल्स हैं इसमें, यानी कि टोटल अगर आप मिलाएंगे तो इसमें 48 होल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पहला जो पेयर ऑफ होल है, देखिए ऊपर नीचे होल है, ये दोनों होल में फ्रेंड्स आवाज में थोड़ी सी डिफरेंस है, स्लाइट थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस है, पिच में डिफरेंस है। ठीक है, ऊपर का थोड़ा सा हाई है, नीचे का थोड़ा सा लो है। ठीक है, तो इससे क्या होता है जब आप बजाते हैं तो एक ट्रेमोलो इफेक्ट आता है फ्रेंड्स, एक अच्छा इफेक्ट आता है, स्पेशल इफेक्ट आता है जिसे ट्रेमोलो इफेक्ट कहते हैं। इसलिए इस माउथ ऑर्गन को ट्रेमोलो कहा जाता है क्योंकि ये ऊपर नीचे का जो होल है उसमें थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है और इस फ्रीक्वेंसी के कारण आवाज में थोड़ी सी एक वाइब्रेशन कह सकते हैं या फिर ट्रेमोलो जो कहते हैं ट्रेमोलो इफेक्ट आती है, इसीलिए इसका नाम ट्रेमोलो इफेक्ट है। ठीक है, अब इसकी इस 24 होल्स के माउथ ऑर्गन के बारे में आपको अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना है तो आपको पहले इसकी बनावट जाननी होगी। इसमें देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने बताया कि 24 पेयर्स ऑफ होल्स हैं और यहाँ पे देखिए सी लिखा हुआ है, तो जहाँ पे सी लिखा होता है फ्रेंड्स वहाँ से आपको माउथ ऑर्गन को आपको हमेशा उस तरफ को बाएं साइड रखना है जब आप पकड़ेंगे बजाने के लिए। तो 24 होल्स का जो माउथ ऑर्गन होता है ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन होता है जहाँ पे सी लिखा हुआ है उसे आपको हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, ये हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा इसे लेफ्ट साइड रखना है और जहाँ पे सी नहीं लिखा हुआ है वो हमेशा राइट साइड में रखना है। सी लिखने का मतलब फ्रेंड्स यह सी स्केल का माउथ ऑर्गन है, सी स्केल का माउथ ऑर्गन बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, सीखने के लिए बहुत ही आसान होता है, इसीलिए आपको सी स्केल का माउथ ऑर्गन लेना है। ठीक है, अब आपको यह जानना है कि इस 24 होल्स का यानी कि 24 पेयर्स के जो माउथ ऑर्गन होते हैं ट्रेमोलो इसमें 3 ऑक्टेव होते हैं, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब जहां पे आप पूरे सरगम को बजा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप इसमें 3 सेट ऑफ सरगम बजा सकते हैं, 1 से लेकर 8। पहला जो है, पहला ये यहाँ जो सी लिखा है फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग गिनती शुरू करते हैं, पहला जो ये होल है ये पहला हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह करते करते आप ये लास्ट वाला 24 पेयर ऑफ होल है। ठीक है, तो 1 से लेकर 8 में आप सरगम बजा सकते हैं, वह लोअर ऑक्टेव का सरगम होगा। ठीक है, 9 से लेकर 16 के बीच में आप मिडिल ऑक्टेव का सरगम बजा सकते हैं, उसे हम लोग मिडिल ऑक्टेव कहते हैं, और फिर 17 से लेकर 24 के बीच में भी आप सारे गम पद निशा बजा सकते हैं जिसे हम लोग हायर ऑक्टेव का सरगम बोलेंगे। ठीक है, तो 24 पेयर्स ऑफ होल्स का जो ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन होते हैं जो मेरे हाथ में है इसमें आप 3 ऑक्टेव पे सरगम बजा सकते हैं, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव। ठीक है, तो लोअर ऑक्टेव में जो सरगम बजाएंगे वो थोड़ी सी मोटी आवाज में सरगम निकलेगी, मिडिल ऑक्टेव में जो बजाएंगे वो मीडियम आवाज में निकलेगी सरगम, और हायर ऑक्टेव में जो आप सारे गम पद निशा बजाएंगे वह थोड़ी सी ऊंचे स्वर में निकलेगी, हायर पिच की सरगम निकलेगी। ठीक है, तो और एक आपको ध्यान रखना है कि जहां पे सी लिखा हुआ है यह आपने बाएं साइड रख लिया, और जैसे जैसे आप दाहिने तरफ आते आएंगे इसकी आवाज फ्रेंड्स पतली होती जाएगी। पहला होल में अगर आप बजाएंगे देखिए आवाज बहुत मोटी है, और एकदम 24 वाले पेयर ऑफ होल में अगर बजाएंगे लास्ट में जाकर आवाज कितनी पतली है। ठीक है, तो जैसे आप एक नंबर होल से जैसे जैसे आप 2, 3, 4, 5, 7, 8 बढ़ते जाएंगे 24 होल्स की लास्ट होल की तरफ बढ़ते जाएंगे आवाज मोटी से धीरे धीरे पतली होती जाएगी, उसकी जो पिच है वो हाई होती जाएगी, श्रिल होती जाएगी आवाज, पतली होती जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 24 होल्स के माउथ ऑर्गन में। ठीक है, अच्छा अब आपको जब आप माउथ ऑर्गन खरीद लें तो पहला काम आपको जो करना है आपको तीनों ऑक्टेव में सरगम पहले सीखना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया पहले आपको मिडिल ऑक्टेव से सीखना है, मिडिल ऑक्टेव 9 जो होल है
से लेकर 16 नंबर होल के बीच में आपको यह मिडिल ऑक्टेव का सरगम बजेगा, ठीक है। इसका मैं आपको चार्ट अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, कैसे आपको सरगम बजाना है। उसके पहले और एक आपको ध्यान में रखना है कि 24 पेयर्स ऑफ होल्स के जो माउथ ऑर्गन होते हैं, यानी कि ये जो ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन है, इसमें ऑड नंबर्स जो होल होते हैं, ऑड नंबर होल माने 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब ऑड नंबर होल्स हैं, क्योंकि ये डिवाइड नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जो होल जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं आप जानते हैं, उसे ऑड नंबर होल कहा जाता है। तो ऑड नंबर्स के जो होल होते हैं फ्रेंड, उसमें आपको फूकना है, फूकने पे ही आवाज़ निकलेगी। अगर आप ऑड नंबर होल में खींचेंगे तो आवाज़ नहीं निकलेगी। यह इसका इस माउथ ऑर्गन का इस तरह से बनावट है, इस तरह से बना हुआ है कि अगर आप ऑड नंबर होल में फूकेंगे तभी आवाज़ निकलेगी, खींचेंगे तो आवाज़ नहीं निकलेगी। और जो इवन नंबर्स होल होते हैं, इवन नंबर यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वहाँ पे आपको खींचना है तभी आवाज़ निकलेगी, अगर आप फूकेंगे तो आवाज़ नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, 24 होल्स का ये जो ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन होता है, इसमें इवन नंबर होल्स में आपको खींचना है तभी आवाज़ निकलेगी, और ऑड नंबर होल्स में आपको फूकना है तभी आवाज़ निकलेगी। जैसे ये समझ लीजिए एक नंबर होल है, पहला जो होल है ये क्या है, ऑड नंबर होल है, 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसमें आपको क्या करना है, फूकना है तभी आवाज़ निकलेगी, खींचने पर आवाज़ नहीं निकलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने फूका, आवाज़ निकला, खींच रहा हूँ, आवाज़ नहीं निकल रही है। दो नंबर का जो होल है, देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले और तीन नंबर होल को पहले ढक लेता हूँ, सिर्फ दो नंबर होल को खुला रखता हूँ। यहाँ पे देखिए टू नंबर क्या है, इवन नंबर होल है, तो यहाँ पे खींचूंगा तभी आवाज़ निकलेगी, फूकूंगा तो आवाज़ नहीं निकलेगी। मैंने खींचा, आवाज़ निकला, फूकूँ, वो मैं तीन नंबर होल से निकल गया, मैं पूरे दबा के करता हूँ, ये मतलब देखिए सिर्फ दो नंबर होल खुला हुआ है, देखो फूक रहा हूँ आवाज़ नहीं निकल रही है, खींच रहा हूँ आवाज़ निकली। तो ये भी आपको फ्रेंड ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सरगम सीखना है मिडिल ऑक्टेव में, तो इसे आप देख लीजिए। ये देखिए इस चार्ट को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए नौ नंबर होल में अगर आप फूकेंगे, पी मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पी मतलब फूकना और के मतलब खींचना, जहाँ पे पी लिखा है वहाँ पे आपको फूकना है तभी आवाज़ निकलेगी, ठीक है। तो नौ नंबर होल में अगर आप फूकेंगे तो सा निकलेगा, ये देखिए नौ नंबर होल में पी यानी कि फूकना, सा निकलेगा। फिर दस नंबर होल में आपको खींचना है, आपको अगर आप खींचेंगे सांस तो रे निकलेगा, ठीक है। ग्यारह नंबर होल में आपको फिर आके फूकना है तो ग निकलेगा। फिर बारह नंबर होल में आपको खींचना है, म निकलेगा। फिर तेरह नंबर होल में आपको फूकना है, प निकलेगा। फिर चौदह नंबर होल में आपको खींचना है, ध निकलेगा। फिर आपको क्या करना है, पंद्रह नंबर होल में आपको अभी कुछ नहीं करना है, फिर आपको डायरेक्टली सोलह नंबर होल में आ जाना है, वहां पे आपको फिर से खींचना है तो नी निकलेगा। फिर आपको बैक आना है पंद्रह नंबर होल में, आपको फूकना है तो सा निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चौदह नंबर होल में ध के बाद आपको एक होल स्किप करके सोलह में आके आपको खींचना है, नी निकलेगा, और फिर आपको बैक आना है पंद्रह में, आपको फूकना है, सा निकलेगा। तो देखिए जहाँ पे इवन ऑड नंबर होल्स है, जैसे देखिए 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, ठीक है, 15 हुआ, यहाँ पे देखिए सब में आपको फूकना है। जैसे मैंने बताया कि ऑड नंबर होल्स में आप फूकेंगे तभी आवाज़ निकलेगी, ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन 24 होल्स के माउथ ऑर्गन में। और देखिए जो सब ऑड इवन नंबर्स हैं, यानी कि 10, 12, 14, 16, उसमें आपको खींचना है, देखिए के है, तभी आवाज़ निकलेगी, फूकने पर आवाज़ नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, तो पहले आपको पकड़ लेना, देखिए जहाँ पे सी लिखा हुआ है, ये देखिए जहाँ पे सी लिखा है वो आपको हमेशा राइट साइड रखना है, ठीक है। तो ये राइट साइड होगा और इसे आप जाके देखिए, नौ से मैं शुरू करता हूँ, मैं फूंक रहा हूँ, सा निकल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मिडिल ऑक्टेव का सारे गम पद निशा। इसी तरह से जब आप सारे गम पद निशा प्रैक्टिस हो जाए आपको मिडिल ऑक्टेव में, इस चार्ट के हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आप फिर लोअर ऑक्टेव में यानी कि 1 से लेकर 8 के बीच में आपको सरगम बजाना है, बस इसी मेथड से बजेगा, ठीक है। 9 की जगह जहाँ से 9 निकाल रहे हैं तो ये तो मिडिल ऑक्टेव 9 हो गया, वहाँ आपको एक नंबर होल से सा निकलेगा। फिर दो नंबर होल में आपको खींचना है, रे निकलेगा। फिर तीन नंबर होल में आपको फूकना है, ग निकलेगा। यही जो मेथड है, ये जो चार्ट है, इसी मेथड से आपको 1 से लेकर 8 के बीच में भी फॉलो करना है।
सरगम बजाने के लिए। फिर जब लोअर ऑक्टेव में हो जाए फिर आप 17 से लेकर 24 के बीच में हायर ऑक्टेव में आप सरगम प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तीनों ऑक्टेव में जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप गाने बजाने के लिए फ्रेंड्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला काम आपको ये करना है, आपको फंडा पता चल गया 24 होल्स का ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन, आपको पहले एक सी स्केल का ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन खरीद लेना है। फिर ये फंडा जो मैंने बताया आपको जान लेना है कि मोटी आवाज़ जहाँ कहाँ से निकलेगी, जहाँ पे सी लिखा हुआ है उस तरफ से मोटी आवाज़ निकलेगी, वहाँ से शुरू करना है। जैसे जैसे आप राइट साइड आते जाएंगे आवाज़ पतली होती जाएगी और स्ट्रिल होती जाएगी, फ्रिक्वेंसी हाई होता जाएगा, ठीक है। फिर आपको सरगम प्रैक्टिस कर लेना है मिडिल ऑक्टेव में इस चार्ट के हिसाब से जो मैंने दिया है, इसे आपको ख्याल रखना है। ऑड नंबर होल में आपको फूकना है, इवन नंबर होल में आपको खींचना है, तभी आवाज़ निकलेगी। लोअर ऑक्टेव में फिर आपको सरगम प्रैक्टिस कर लेना है मिडिल ऑक्टेव में, फिर लोअर ऑक्टेव में, फिर हायर ऑक्टेव में। ये प्रैक्टिस करने के बाद आप गाना बजाने के लिए तैयार रहेंगे। और मैंने इसके बाद भी लेसन बनाया है कि सरगम सीखने के बाद आपको क्या करना है, आप उसे देख लीजिएगा और आप अच्छे माउथ ऑर्गन प्लेयर बन सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स मुझे बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो मेरे लेसन आता है आप तक पहुँचता रहे, आप अच्छे माउथ ऑर्गन प्लेयर बने, खुश रहें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको 24 होल्स का जो ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन है इसकी कंप्लीट जानकारी हो गई होगी, आप खरीद लीजिए और गाना बजाना शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।